तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं सोलंग वैली से होते हुए अटल टनल को क्रॉस करते हुए पहली तरफ। जैसा कि यहाँ मनाली में सबका कहना है कि जो वेदर रहता है बिल्कुल ऑपोजिट रहता है टनल के पन्नी तरफ, तो आज हमें वही एक्सपेरिमेंट करना है। तो मोहित भैया क्या कहते हो आप, जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है और बादल इतने नीचे आए हुए हैं, तो वहाँ पर टनल के पन्नी तरफ वेदर कैसा होगा? हो सकता है धूप निकली हो, धूप नहीं होगी तो बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये पक्का है आपका कि बारिश नहीं होगी वहाँ पे? अक्सर ऐसे ही होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। तो चलो आज इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं और देखते हैं कि वेदर वहाँ पर तरफ कैसा मिलता है। यहाँ का वेदर तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। जोरदार बारिश हो जा रही है और बादल जो है बिल्कुल सड़क के साथ आ चुके हैं, लेकिन आज का दिन जो है सिर्फ एक्सपेरिमेंट का दिन है, तो आज का जो व्लॉग रहेगा मेरा सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ऊपर रहेगा। तो हुआ कुछ ऐसा, मोहित भैया और मैं बैठे हुए थे, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो सोचा कि किधर घूमने चला जाए क्योंकि दिन बेकार हो रहा था, कुछ कंटेंट ही नहीं बन पा रहा था। तो बाई चांस बात हुई कि जो टनल के पल्ली तरफ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट रहता है, तो मुझे बहुत हैरानगी हुई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है इतने कम किलोमीटर्स में, ये 10-15 किलोमीटर में इतना कैसे डिफरेंस आ सकता है वेदर में। तो उन्होंने बोला चलो आज चेक करा देते हैं आपको, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो हम लोग गाड़ी उठा के निकल पड़े हैं सिर्फ वेदर टेस्ट के लिए। सड़क के दोनों ओर बेहतरीन सीनरी उभर कर आ रही है, बारिश ने इस मनाली की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। जितने भी झरने थे सब एक्टिवेट हो चुके हैं, छोटे बड़े, और जो पाइन ट्रीज हैं सड़क के किनारे लगे हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। घाटी में बहती हुई वो नदी और सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़ और बादलों से घिरा हुआ पूरा ये माहौल, क्या कोई कह सकता है कि सिर्फ यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर कोई बारिश नहीं होगी? तो ऐसा ही इनका कहना है सब मनाली वालों का। आप खुद ही आइडिया लगाइए, सिर्फ 9 किलोमीटर की टनल है और उसके इस तरफ भरपूर बारिश हो रही है। ये देखो सड़कों पर चलता हुआ पानी और सब बुरी तरह से भीग चुका है, यहाँ पर किनारों पे पानी चल रहा है सड़कों के। और हम लोग यही टेस्ट करने जा रहे हैं कि जो टनल के परली तरफ हमें बारिश मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ सबका कहना है कि बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा वहाँ का जो वेदर होगा, भाई धूप हो या ना हो लेकिन बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत ही हैरानगी वाली है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको भी ये टेस्ट मेरे साथ देखना है। तो टनल रह गई अब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर और अब हो जाएगा कुछ ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी। टनल के नियर आने वाला वेलकम का गेट अभी निकला है और ये है यहाँ का बहुत ही फेमस पॉइंट। यहाँ पर लोग रुककर सेल्फी लेते हैं क्योंकि जो व्यू यहाँ से आता है ना इस रोड से, इस पॉइंट पे स्पेशली यहाँ पर लोग चाय कॉफ़ी भी लेते हैं और यहाँ पर फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा होती है। आप खुद देखो यहाँ का सीन जो है बिल्कुल सामने, बिल्कुल बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ और बीच में बादल, यहाँ का सीन बिल्कुल इतना अद्भुत है कि यहाँ हर कोई रुककर जरूर सेल्फी लेता है या फोटोग्राफी जरूर होती है यहाँ पर पूरी रोड पर, स्पेशली यही एक पॉइंट है। वो देखिए सामने आ गया टनल का गेट और अभी भी आप देख पा रहे हो कि बाहर बारिश हो रही कितनी, पूरी सड़क पे देखो पानी है। तो हम पहुंच गए हैं टनल के गेट पे, तो हम लोग टनल में एंटर कर रहे हैं और यहाँ अभी भी बहुत तेज बारिश है, ऊपर बादल, चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ है और चारों तरफ बादलों से घिरे होने के बावजूद भी टनल के ऊपर भी इतने बादल हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का कहना है कि परली तरफ बारिश नहीं होगी, तो ये वाकई कुछ अलग बात है। तो अब मैं आपको टनल के अंदर जो है वीडियो मैं पॉज कर दूंगा, बिकॉज आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही हुआ है जिसमें आपने पूरी टनल देखी हुई है। फ्रेंड्स अब हम लोग टनल में से बाहर निकलने वाले हैं, सिर्फ 0.5 किलोमीटर रह गया, तो अब मेनली हमें ये देखना है कि परली तरफ का वेदर कैसा है, जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
तो चलिए आप भी मेरे साथ देखिए। तो भाई साहब सामने की रोशनी देख के ही मालूम पड़ रहा है कि वहाँ बारिश का कोई सीन नहीं है। और ये देखो जी, ये हम पहुँच गए टनल के परली तरफ और ज़मीन बिल्कुल सूखी पड़ी है, एक भी बूंद यहाँ पर पानी की नहीं गिरी है। तो ये आज हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया पूरा। तो यहाँ पर जो मोहित भैया का कहना है या इन सब मनाली वालों का कहना, वो बिल्कुल 100% सही है। इनका कहना है ये लाहौल वैली में आता है एरिया और यहाँ पर बहुत कम जो है बारिश वगैरह होती है, बहुत ही मानसून बिगड़ा हो तभी ऐसा कुछ होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ऐसी किसी अच्छी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देम बाय बाय।